DMS Ajmer and going to present a play on the theme HIV. अरे ओ राजू बेटा, क्या हालत बना ली है खास खास के, कितनी बार का वो बरगद के पेड़ के नीचे जो पापा बैठते हैं दिखा, पर मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है, इन शहर के डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं। अब सुन, ये ले मेरी जमा पूंजी और दिखाओ बाबा के। अरे दादी तू चिंता ना कर, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये हल्का फुल्का खांसी जुकाम तो यूं ही चलता रहता है, लात वो मुझे दवाई की पुड़िया। मैं कब तक तेरी सेवा करूंगी, इस बुढ़ापे में मेरी हड्डियों ने जवाब दे दिया है, अब तो बस ऊपर वाले के बुलावे का इंतजार है। ऐसा मत बोल दादी, पहले पिताजी चले गए, फिर माँ और बाप, ना दादी ना। राम जाने मेरे घर को कौन सा काट का, पहले मेरा बेटा फिर और अब जब इस उम्र में तुझे मेरी लाठी बनना था, न जाने कौन सी बीमारी पाल। हे भगवान, मेरे नसीब में तो सुख की रेखा ही नहीं। दादी तू रो मत, चल बैठ। टक टक टक, दादी लगता है कोई आया है, मैं देख कर आता हूँ। तू रुक, तेरी तबीयत ठीक ना, मैं देखा। राम राम दादी, कैसी हो? राम राम मास्टर जी, ठीक हो? राम राम मास्टर जी। राम राम राजू बेटा। अरे राजू, तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रहे? तुम तो आखिर हमारे विद्यालय के होनहार विद्यार्थी हो। क्या बताऊं मास्टर जी, देख नहीं रहे का क्या हालत बना ली है राजू ने खास खास के। क्यों राजू, तुम्हें कहा था ना कि शहर के डॉक्टर को दिखाओ, नहीं गए क्या? क्या बताऊं मास्टर जी, गया तो था, डॉक्टरों ने टेस्ट भी किए थे खूब सारे, और आखिर में मुझे कुछ ये बताया था। जाओ राजू, तुम जाकर आराम करो। राम 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 दादी, ये क्या लिखा है? तुम्हारे राजू को तो एड्स है। क्या बात है मास्टर जी, ये एड्स क्या होता है? अरे दादी, बड़ी बुरी बीमारी है, ऐसा समझ लो लाइलाज बीमारी है, इंसान के बुरे कर्मों की वजह से होती है। पर राजू तो बहुत होनहार विद्यार्थी है, उसे बीमारी कैसे हो सकती है? पर जो भी हो, अब राजू हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, और हाँ, हमारे मीठे पानी के कुएं में से पानी भी नहीं पी सकता। पर मास्टर ना जी... दादी ना, एक इकलौते राजू के खातिर मैं पूरे गांव का भविष्य नहीं बिगाड़ सकता। पर मास्टर जी... राम राम दादी, हम तो चलते हैं। क्या बात है, क्या हो गया राजू को, क्या वो स्कूल पे नहीं जा सकता? राम राम मास्टर जी, क्या बात है, बड़े दिन बाद दर्शन दिए। राम राम काकी। क्या बात है मास्टर जी, बड़े टेंशन में दिख रहे हैं। हाँ वो ना राजू। अच्छा, छोड़ो, पते की बात सुनो, मेरा बेटा आकाश आया है शहर से। क्या डॉक्टर साहब आए हैं? आओ मिलवा देती हूँ। अरे पहले एक खबर तो सुनो काकी। कौन सी खबर मास्टर जी? अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पड़ोस में वह राजू है ना, उसे एड्स है। ये एड्स क्या होता है मास्टर जी? अरे कमला बहन, बड़ी बुरी बीमारी है, सच बता रहा हूँ, इंसान के बुरे कर्मों की वजह से होती है। अब तो इस राजू को इस गांव से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो यह बीमारी एक दिन पूरे गांव को खा जाएगी। अगर ऐसी बात है मास्टर जी, तो मैं तो कल ही पंचायत में राजू का मुद्दा लेकर जाऊंगी। सही कह रही हो कमला बहन। अरे माँ, क्या बोल रही हो, क्या हुआ राजू को? राम राम डॉक्टर साहब। राम राम मास्टर जी, क्या हुआ राजू को? अरे डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही होगा कि HIV एड्स कितनी खतरनाक बीमारी है, बस वही बीमारी राजू को है, अब तो इसे इस गांव से निकालना ही पड़ेगा ना। मास्टर जी, आप इतने पढ़े लिखे होकर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप दोनों राजू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। अरे छोरे तू चुप बैठ, तुझे कुछ नहीं पता। चलो मास्टर जी भीतर चलो,
चाय पी के ही जाना। फिर नहीं नहीं कमला बहन, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी आकर चाय पीऊंगी। ठीक है मास्टर जी, जरूर आना। अरे माँ, मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाइयो और वो पास में राज वगैरह के घर में जाइयो। ठीक है माँ। टक टक, अरे आकाश बेटा, राम राम। राम राम दादी, आओ अंदर आओ। दादी मैंने सुना राजू की तबीयत खराब है। हाँ मास्टर जी बोल रहे थे कि उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई। राजू तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बताओ आकाश भैया, कुछ ठीक नहीं चल रहा। खांसी जुकाम ने तो समझो जान ही निकाल रखी है। सर दर्द तो ऐसा हो रहा है मानो मर ही जाऊंगा। चलो तुम्हें इस वक्त सख्त आराम की जरूरत है राजू, चलो अंदर चलो आराम करो। एक कमला बहन जल्दी दरवाजा खोलो। आई अंदर आइए मास्टर जी, बड़ी हड़बड़ी में दिख रहे हैं। अरे तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ है? आकाश बेटा तो टहलने गया है। अरे तुम्हें तुम्हारे बेटे की कोई फिक्र नहीं है? काहे कहते हो मास्टर जी? तुम्हारा बेटा वो राजू के घर गया है। ओ, हमारा बेटा राजू के? लेकिन हमने तो उसे मना करा था। ये सब छोड़ो और जल्दी चलो उस राजू के घर। हाँ हाँ मास्टर जी, जल्दी चलो। टक 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 टक, दादी मेरा बेटा कहाँ है? अरे आकाश बेटा दूर हो इससे, नहीं तो तुझे भी ये बीमारी लग जाएगी। इन लोगों का तो खानदान ही ऐसा है। बस कमला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे परिवार के बारे में ऐसा बोलने की? अरे दादी इतना मत बैठो, सबको पता है तुम्हारी परिवार की गंदगी के बारे में। गांव के घर घर में चर्चा है तुम्हारे बेटे के। कमला अब निकल जाओ मेरे घर से। दादी जाओगी तो तुम और तुम्हारा पोता इस गाँव से हमेशा हमेशा के लिए। बस माँ, यदि इस गांव में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है तो राजू के साथ साथ मुझे भी इस गांव से निकाल दो। अरे बेटा ये तो क्या बोल रहा है, तू डॉक्टर है? डॉक्टर? माँ आपको मेरे डॉक्टर होने पे इतना घमंड है? लो सुनो आज ये सच, जो बीमारी राजू को है वही मुझे है। अस्कर बेटा ये तू क्या बोल रहा है, थोड़ा धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो गजब हो जाएगा। हमारे परिवार में आज तक कोई भी चरित्रहीन नहीं है, तो हमारे परिवार में बीमारी कैसे हो सकती है? बस करो ना, आपको पता क्या है इस बीमारी के बारे में? और मास्टर जी आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जरूरी नहीं है बीमारी बुरे कर्मों का फल है, हमारे परिवार में तो किसी को नहीं थी। पर आकाश बेटा तुझे बीमारी कैसे हो सकती है? माँ आपको याद है कुछ सालों पहले शहर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे खून की सख्त जरूरत थी। डॉक्टरों की एक लापरवाही की वजह से आज मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ। पर आकाश बेटा तुझे देखकर तो लगता ही नहीं कि तुझे ऐसी बीमारी हो सकती है, तू तो एकदम स्वस्थ दिखता है। माँ मैं आप सबको यही तो बताना चाहता हूँ कि एक HIV पॉजिटिव इंसान भी अपनी जिंदगी आम लोगों की तरह जी सकता है, उसे जरूरत है हम सबके साथ की, प्यार की। माँ मुझे याद है आप हमेशा मुझसे कहा करती थी कि राजू एक होनहार विद्यार्थी है, वह भी एक दिन मेरी तरह डॉक्टर बनेगा। तो माँ जब आज राजू को हम सबके साथ की प्यार की जरूरत है तो हम राजू के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। पर आकाश बेटा राजू की बीमारी कैसे हो सकती है? दादी मैंने राजू के चेकअप के परिणाम देखे जिससे मुझे पता लगा राजू को ये बीमारी उसके माता पिता से मिली है। पर आकाश बेटा इस बीमारी से बचने के उपाय क्या है? माँ इस बीमारी से बचने के लिए हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और हाँ किसी के साथ असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, और खासकर डॉक्टरों को ध्यान रखना चाहिए किसी को संक्रमित खून या सुई ना लगाई जाए। और हाँ ये बीमारी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को छूने या उसके साथ रहने से नहीं फैलती है। डॉक्टर साहब आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी, आइए यह संदेश हम सब जन जन तक पहुंचाते हैं। तो सुनो ओ काका सुनो ओ काकी, तुमको सुनाते बात पते की, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसे मरीजों से तुम मत भागो, ऐसे मरीजों से तुम मत भागो।
छूने से ना फैले ये, ना फैले साथ खाने से, आखिर वो भी इंसान है, मत करो अलग जमाने से, मत करो अलग जमाने से। एड्स कोई पाप नहीं और कोई अभिशाप नहीं, दिल से तुम उन्हें अपनाओ, जीवन उनका सुखी बनाओ, जीवन उनका सुखी बनाओ। तो सुनो ओ भाई, सुनो ओ ताई, बात तुम्हें कुछ समझ में आई, बस जियो और जीने दो, इसी में है सबकी भलाई, इसी में है सबकी भलाई, इसी में है सबकी भलाई।